हे गाइज, वेलकम बैक इट ईयर मोबाइल्स। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और काफ़ी बजटिंग वाला फ़ोन लेके आया हूँ। आइटल का A70 मॉडल, 12 GB रैम प्लस 64 GB तक इसकी रोम है। आज हम इसके फीचर्स जानेंगे और आपको बताएंगे ब्रीफली और क्या क्या फीचर्स है इसमें और क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या क्या एसेसरी साथ में मिल जाती है, इवन कि क्या प्राइस आपको मार्केट में इसका एग्जैक्ट जो मिलना चाहिए वो रेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज, अगर न्यू है चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर मैं इस तरह की बेस्ट और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्स करता रहता हूँ। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ATR मोबाइल्स। सबसे पहले जो है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो सबसे पहले आप चाहते हैं कि उसके बॉक्स के ऊपर जो स्पेसिफिकेशन रहती है वो आप देखना चाहेंगे। तो चलिए, मैं भी आपको सबसे पहले जो है घर बैठे ही आपको जो पूरी इस फोन की जो डिटेल है वो सारी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर गाइज, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्री स्क्रीन इसमें जो है गाइज, आपको 100 डेज की स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलती है और कुछ फीस जो है वो चार्जेस, फिटिंग चार्जेस वगैरह वो सर्विस सेंटर वाले ले लेते हैं। और ये जो है आपको स्क्रीन ओवरऑल जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डलती है 100 डेज, बिल से 100 डेज तक। जैसे आपके जिस डेट को बिल कटा होगा उस डेट से 100 डेज के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीन डल जाएगी। दूसरी बात गाइज, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें 12 GB रैम है प्लस और 64 GB रोम, यानी कि इसमें 6 GB जो है इसका एक्चुअल रैम है और एक्सपैंडेबल जो होता है वो 6 GB आप और इसमें बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद गाइज ये जो है 12 GB तक रैम हो जाता है। और उसके बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको इसका जो MRP है देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा पास करके दिखा देता हूँ जूम करके, 7,299 का जो है इसका MRP है। तो गाइज चलिए, अब जो है विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम जो है फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं कि कैसे फोन की लुक है। तो जिस रेट में गाइज ये फोन है ना, उस रेट में जो है आपको काफी ज्यादा, मतलब देखने में जो है काफी सुंदर है। जैसे आप देख सकते हैं प्रो सीरीज लाइक का जो है इसमें लुक बनाई गई है। साइड से देख सकते हैं क्रोम तो नहीं है बट स्लिम है फ़ोन गाइस। थोड़ा स्क्रीन का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और लुक जो है बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो चलिए ऐसे आप एक बार देख लें, यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर है इसका और यहाँ पे वॉल्यूम ड्रैगर, और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका आउटपुट स्पीकर है और टाइप सी चार्जर सपोर्ट करता है। यहाँ से 3.5 mm जैक आप इसमें लगा सकते हैं। तो फ़ोन को एक बार यहाँ पे रख देते हैं और साथ में देख लेते हैं कि क्या क्या आपको जो है एसेसरी साथ में मिल जाती है। गाइज इस बार जो है इस डिवाइस ने, जैसे कि आपने तकरीबन देखा होगा, सिलिकॉन कवर मिलते हैं और गाइज देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्यारा कवर दिया हुआ है और ब्लैक है ये। तो ये आ गया गाइज। उसके बाद देख सकते हैं अडोप्टर इसका, और प्लस आपको टाइप सी केबल जो है वो साथ में मिल जाती है और प्लस जो है इंजेक्टर पिन। तो गाइज ये चीज़ें जो है ये आपको साथ में अवेलेबल है। अगर आप किसी भी शॉप पे फ़ोन लेने गए हो तो ये चीज़ें आपको उसमें ज़रूर निकलनी चाहिए बॉक्स में। कम रेट में गाइज आपको बहुत ही बढ़िया फ़ोन मिल जाता है। तो इसका जो रेट भी हम रिवील करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं। यहाँ से ऑन करने के बाद गाइज इसके कैमरा जो है मोस्ट प्रेफरेबल, ज़रूरी है सबसे, तो वो है गाइज इसका कैमरा। कैमरा जो है सबसे ज़्यादा, कोई भी अगर कोई भी डिवाइस मोबाइल शॉप पे खरीदने गया तो सबसे पहले वो कैमरा चेक करते हैं। तो चलिए हम भी कैमरा चेक कर लेते हैं। तो चलिए गाइज इसको एक बार ऑन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रो सीरीज़ के जो फ़ोन होते हैं, आईफोन 15 प्रो 14 प्रो, उसी का देख सकते हैं थीम जो है बैकग्राउंड पे उसी टाइप का कुछ ऐसा आया है। और काफ़ी गाइज इसको फास्ट जो है ये ऑन हुआ है, प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुई है और काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन। तो चलिए सबसे पहले जो है गाइज़ हम देख लेते हैं कैमरा। कैमरा मैं थोड़ा सा इसे रोटेट करके दिखाता हूँ। तो गाइज़ कैमरे की क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हल्का सा जो है आप इसके ऊपर क्लिक करें और ब्राइटनेस जो है तभी जो है फोकस करेगा कैमरा। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पोर्ट्रेट मोड में है, साइड जो है वो काफ़ी अच्छी ब्लर हो चुकी हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो देखें आप पूरा एकदम क्लियर आ रहा है। अभी मैं पोर्ट्रेट मोड पे आपको करके दिखाता हूँ। पोर्ट्रेट मोड पे जो है गाइज़ जो मेन चीज़ देखने वाली होती है वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसके साइड पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है धुंधलापन नहीं आ रहा, क्योंकि जो पोर्ट्रेट कई फ़ोनों में जो होता है वो साइड से धुंधलापन आने लगता है और पोर्ट्रेट अच्छे से नहीं कर पाता है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो है काफ़ी अच्छा इसने पोर्ट्रेट कर दिया है। उसके बाद गाइज़ जो है जूमिंग, एक बार जूमिंग देख लेते हैं इसकी। जूमिंग जो है गाइज़ वो जाती है 4x तक, और 4x की जो जूमिंग है वो भी आप देख सकते हैं तकरीबन लगभग जो है पिक्सल जो है बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे पिक्सल आ रहे हैं। और दूर की जो है गाइज़ जो वाइड एंगल से अगर आप बना के देखेंगे वीडियो
तो थोड़ा सा जो है क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाता है किसी भी फ़ोन में, अगर आप वाइड एंगल पे बनाएंगे थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, लेकिन जो प्राइस रेट है उस हिसाब से गाइज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और इसकी जो गाइज़ एक बार देख लेते हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उसमें जो वाइब्रेशन मोड है वो कितना ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसमें। चलिए ये मैंने इसको वाइब्रेट किया और अब इसको हम वीडियो प्ले करते हैं। वाइब्रेशन मोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इतना अच्छा नहीं है, और क्योंकि अभी उतनी रेंज में ये फ़ोन नहीं है, लेकिन गाइज अगर आप वीडियो वगैरह बनाना चाहें तो बहुत अच्छी वीडियो बन जाती है। तो फ्रंट कैमरा जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आ रहा है, देख सकते हैं। और फ्रंट कैमरे में जो है जूमिंग भी जो है बहुत अच्छी जूमिंग में आ रहा है, बिल्कुल पिक्सल जो है नहीं ब्रेक होते हैं और आप आसानी से जो है वीडियो जो बना सकते हैं। ये है गाइज इसका कैमरा। तो बाकी गाइज इसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, तो एक बार मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फीचर इसका बता देता हूँ। तकरीबन लोगों को पता भी रहता है और जिनके लिए न्यू है गाइज ये, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको भी नहीं पता, तो कैसे आप इसमें रैम भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि बॉक्स के ऊपर देखिए 12 GB रैम दिया हुआ है और 64 GB रोम। 12 GB रैम जो है वो ऐसे नहीं होगा, वो आपको इसमें एक्सटेंड करना पड़ता है। वो कैसे एक्सटेंड करना पड़ता है तो चलिए मैं आपको वो थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप अबाउट की सेटिंग में जाएंगे फ़ोन की डिवाइस की, उसके बाद आपको जो है स्पेसिफिकेशन पूरी जो है इसकी दिखाई देगी इस फ़ोन की, कि क्या क्या इसमें फंक्शंस हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें डिवाइस नेम आईटेल A70, मॉडल नंबर लिखा हुआ है इसका, और एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है इसमें, और CPU कौन सा है इसमें, ऑक्टाकोर T603, और फ्रंट कैमरा 8 MP, रियर कैमरा 13, ड्यूल पीछे जो है कैमरे ड्यूल हैं, आप देख सकते हैं दो दो कैमरे हैं इसके पीछे। और जो है रैम कैसे एक्सटेंड करना, चलिए मैं वो बताता हूँ। जहाँ पे आप देख सकते हैं 4 GB + 4 GB एक्सपेंडेबल जो रैम है इसका गाइस, वो आपने देखना है यहाँ से 8 GB जो है आप इसको 8 GB रैम को और बढ़ा सकते हैं। ये देखें 8 GB 4 + 4 है, अगर आप इसको 8 GB तक बढ़ाना चाहेंगे तो 8 GB जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो ये फ़ोन जो है ऑटो रीस्टार्ट मांगेगा। जैसे ही आप इसको रीस्टार्ट का क्लिक करेंगे तो ये रीस्टार्ट होने के बाद गाइज ये जो है 12 GB तक रैम हो जाएगा, तो उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रैम आप एक्सटेंड करते हैं ये आपकी जो रोम है उसको भी यूज़ करेगा, रोम को भी यूज़ करता है। वर्चुअल रैम जो है इसका देखें आप, वर्चुअल जो खुद का रैम है 2 GB 4 GB 8 GB 8 GB तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया क्लियरली 2 GB, अगर अभी ये जो है ये 8 GB पे सेट है, यानी कि टोटल जो इसका रैम काम कर रहा है वो 8 GB पे कर रहा है, और अगर आप इसको 8 GB पे और बढ़ा देते हैं तो ये जो है गाइस 4 + 8 यानी कि 12 GB 12 GB रैम ये हो जाएगा। तो इस तरह आपने रैम जो है एक्सटेंड करना है। बाकी गाइस इसमें जो फंक्शंस हैं रेट के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छे फंक्शन हैं। प्राइस का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, A70 आईटेल का जो है प्राइस गाइस इसका आपको 7000, या आपको अगर आप कैश में डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो अगर आपको कैश भी कहीं से मिल रहा है तो गाइस 6500 रुपये में भी आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अगर कैश में ले रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छे जो है इसमें फ़ीचर्स हैं, आप इसको आसानी से कहीं परचेज़ कर लें। जितना इसका प्राइस है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा डिवाइस है। बाकी गाइस इसमें कवर वर जो है आपको मेरे हिसाब से तो इसमें एडजस्टमेंट भी कवर की हो जाएगी, कवर की आईटेल की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कवर भी आपको इसके आसानी से मिल जाएंगे, बाकी फ़ोन अच्छा है। तो गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को इसी तरह हमारे प्यार देते रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे बेस्ट बजटिंग और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की जो अनबॉक्सिंग जो है सबसे पहले हम अपने चैनल पे कर देते हैं। तो चलिए अब मुझे आगे दीजिए, अगली वीडियो के साथ आपको यहीं पे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।